नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग शर्मा है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिपल ए ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप किसी भी एक या एक से अधिक इमेजेस को कुछ ही सेकंडों में PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना होगा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे एडोब स्कैन। एडोब स्कैन इसको डाउनलोड कर लेंगे। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जिस भी पेज को या डॉक्यूमेंट को आपको PDF में कन्वर्ट करना है उसका आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपके मोबाइल में ऑलरेडी है तो आप यहां से क्लिक करके वहां से इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां से क्लिक कर लेता हूं। कुछ लोग फोटो क्लिक करने के लिए उसको आड़ा कर लेते हैं, जो कि गलत है। ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी आपको किसी भी पेज को क्लिक करना है तो अपने मोबाइल के कैमरे को उसके जस्ट ऊपर रखें। फिर आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसको ऑटो क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए देखिए जो सेकंड ऑप्शन है ये इसी का ही है। इसको मैं अगर क्लिक करता हूं तो इसमें लिखा आएगा ऑटो कैप्चर ऑन। ठीक है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली सब बॉर्डर वॉर्डर को सिलेक्ट कर लेगा। ओके, देखिए मैं कैसे होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए लुकिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स, ये लुकिंग कर रहा है डॉक्यूमेंट को, अपने आप ऑटोमेटिकली कैप्चरिंग कर रहा है। होल्ड स्टडी, देखिए ये आपका फोटो जो है क्लिक हो चुका है। अगर आपको थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई करना है तो क्रॉप करना है तो आप इसको थोड़ा सा कॉर्नर से या फिर आप किसी से भी पकड़ के इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लिया है। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। फिर अगर आपको नेक्स्ट लेना है तो नेक्स्ट पे जाइए आप। ये मैंने सैंपल के लिए ले लिया है 1, 2, 3 लिख के। ठीक है, ये कैप्चरिंग कर रहा है होल्ड स्टडी, ये ऑटोमेटिक इसको कैप्चर कर रहा है। थर्ड वाला मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा, ये इसने कैप्चर कर लिया है। आप इसको कंटिन्यू, अगर आपको समझ में आता कि ठीक है तो आप इसे कंटिन्यू कर लीजिए। नेक्स्ट वाले को मैं इसको कैप्चर मैंने ऑफ कर लिया है, ऑटो कैप्चर। अब मैं इसको खुद कैप्चर करूंगा। देखिए यहाँ पर लिया के जद, देखिए ब्लर नहीं होना चाहिए आपका ये जो फोटो है। और आप इसका जो देखिए यहाँ पर ऐड में ये भी है, इसको आप फ्लैश ऑन भी कर सकते हैं, फ्लैश ऑफ भी कर सकते हैं। ये क्लिक हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए मैं राइट में यहाँ पे सब मेरे स्टोर हो चुके हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब ये मेरे PDF में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है। अगर आपको उनमें कुछ एडिटिंग करना है तो आप एडिटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखो नीचे कुछ कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, मैं वन बाय वन आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आराम से समझिए। देखिए रीऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर आपको पेज कहीं ऊपर नीचे करने हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जिस पेज को आपको कहीं ले जाना है तो आप बस उस पेज पर क्लिक कीजिए और होल्ड करके रखिए और उसको ड्रैग कीजिए, और ड्रैग करने के बाद जहाँ भी उसको आपको रखना है आप वहाँ पर उसको ले जाके अपना जो फिंगर है उसे हटा लीजिए, तो वो वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो ऑर्डर है वो एकदम करेक्ट है, तो मैं इस वाले को नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 अपना ऑर्डर ठीक है। यहाँ राइट क्लिक कर लेंगे और देखिए सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्रॉप का है। क्रॉप में देखिए आप किसी भी पेजेस को आप क्रॉप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए क्रॉप का ऑप्शन यहाँ पर खूब ठीक दिखा रहा है। ठीक है, ऑटो डिटेक्ट का है तो वो अपना ऑटो डिटेक्ट ले लेगा, जो भी जितना भी पेजेस है वो अपना ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। अगर अदरवाइज आप खुद अपने हाथ से ड्रैग करके उसको ऑटो हटा के इसको कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो उतना आपका आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो आपको इतना लेना है, बस आप इसको राइट क्लिक कीजिए, वो आपका इतना क्रॉप हो जाएगा। जो थर्ड ऑप्शन है वो रोटेट का है। अगर मान लो सपोज करो आपने कोई फोटो लिया, अब वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो गया है, तो आप इसको रोटेट करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा सब ठीक है। कलर में जो है ऑप्शन का, ये कलर का है कि अगर आपको जो फोटो क्लिक किया है इसको ओरिजिनल कलर में रखना है या फिर ऑटो कलर में रखना है या ग्रे स्केल में रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे एडवाइस से अगर आप चलो तो आप ऑटो कलर रखिए, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल कलर है, और जब आप इसे ऑटो कलर कर लेंगे तो ये थोड़ा बेटर दिखाई देता है। ओके, तो इसको आपको जो ऑटो कलर है ये ऑटोमेटिक होता है, अदरवाइज आप इसको जो भी आप कलर सेलेक्ट करोगे उस पर अप्लाई टू पेज ऑल पेजेस पर क्लिक करके इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, हमारे ऑलरेडी ऑटो कलर पे है तो हमें कोई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका क्लीनअप है। क्लीनअप जो ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा है। अगर सपोज करो आपने कोई फोटो लिया है और फोटो में कुछ एक्स्ट्रा आ गया है, उसको आपको रफ करना है, तो आप उसको देखिए यहाँ रफ कर सकते हैं। मैं सपोज करो यहाँ पे रफ करता हूँ, देखो ये तो जो लाइनिंग है ये हट जाएंगी, देखिए देख रहे हैं।
ये आपका इरेज हो रही है सारी लाइनें, तो जो आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर राइट पर क्लिक कीजिए, वो आपका सेट हो जाएगा। आगे है रिसाइज का ऑप्शन। अगर आपको अपने पेज किसी और में लेने हैं, देखो बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, A4 पोर्ट्रेट, A4 लैंडस्केप। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, A4 लैंडस्केप करके दिखाता हूँ मैं। देखो ये आपका लैंडस्केप में आ गया, और पोर्ट्रेट करेंगे तो ये पोर्ट्रेट में आ गया। तो हमारा जो ले रखा फोटो ठीक है, हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। फिर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट अगर आपको कोई करना है, कोई एक्स्ट्रा हो गया तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। हमें डिलीट क्यों नहीं करना, हमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, हमारे पास तीन पेजेस हैं जिनको हमें PDF में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे ऊपर देखिए राइट कॉर्नर पर सेव PDF का ऑप्शन है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, PDF में सेव हो रहा है, ठीक है, और अपलोडिंग हो रही है डॉक्यूमेंट में। ये हमारा जो PDF फाइल है वो तैयार हो चुकी है, हम इसको देख सकते हैं एक बार। देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो आप ऐसे कितने सारे पेजेस इसको कन्वर्ट कर सकते हो PDF में। अब देखिए चार यहाँ पे हमारे ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो शेयर का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको इसे शेयर करना है कहीं पे भी तो देखिए शेयर एक कॉपी पे कर सकते हैं। अगर आपको लिंक शेयर करना है लिंक शेयर कर सकते हैं, ईमेल करना है ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मॉडिफाई का है, अगर आप उसमें कुछ मॉडिफाई करना है अपने में तो मॉडिफाई कर सकते हैं। कमेंट लिखना है कमेंट लिख सकते हैं, मोर में जाके इसमें देखिए कॉपी टू डिवाइस, अगर आपको डिवाइस में कॉपी करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। कॉपी टू गूगल ड्राइव पर करना है तो गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा। अगर आपको पेजेस एज ए JPEG करना है सेव तो वो सेव हो जाएगा। प्रिंट करना है प्रिंट हो जाएगा, अगर आपका कोई प्रिंटर है वाईफाई, ठीक है। तो इसमें बैक आता हूँ, और बैक करने पर देखिए अगर आपको आपने कोई फोटो PDF में कन्वर्ट किया है तो आपको नेचुरल से बात है कहीं भेजना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपका वो फाइल आपके मोबाइल में होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, आप शेयर पर जाएंगे, यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन है शेयर ए कॉपी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए अगर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे किसी सेंड करना है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको मोबाइल में सेव करना है तो इसको कॉपी टू पे क्लिक करना है। कॉपी टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर थ्री ऑप्शन आ रहे हैं, आपको इंटरनल सेव में सेव करना है, स्टोरेज एंड डुअल ऐप में, या फिर गूगल ड्राइव में। हमको इंटरनल स्टोरेज में करना है, ठीक है। यहाँ पर आप कहीं भी इसको ले सकते हैं, जहाँ पे आप चाहो उसको आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक उस पर कर लेता हूँ, स्टडी पे कर लेता हूँ। देखिए स्टडी पे मैं क्लिक किया और यहाँ पे आकर आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये फाइल आपकी जो है यहाँ पर आके सेव हो गई है, देखिए ये सेव दिख रही है आपको। तो आप बैक जाइए, और बैक में आकर दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ पर सेव हुई है। आप जाना फाइल मैनेजर पर, ठीक है। फाइल मैनेजर पर जाने के बाद यहाँ पर फोल्डर के ऑप्शन में जाना, फोल्डर ऑप्शन में जाने पर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका स्टडी का, स्टडी देखिए ये स्टडी का ऑप्शन आ गया है। और स्टडी में देखिए आपका देखो स्कैन कॉपी ये देखो दिख रहा है, मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए हमने फाइल जो हमने सेव की थी वो फाइल हमारे सामने प्रेजेंट है, और आप इसको कहीं से भी इसको क्लिक करके और यहाँ पर इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपलोड करना था वहाँ से आपको फाइल इसको ब्राउज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही नॉलेजेबल है, आपके बहुत काम आएगी। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।